तब अध्यात्म और विज्ञान एक साथ ऐसे बैठेंगे और चरम सीमा पर शोध करेंगे। ये अजमल कि एक तरफ अध्यात्म की चरम सीमा पराकाष्ठा में जीने वाले लोग होंगे और दूसरी तरफ विज्ञान पराकाष्ठा में जीने वाले लोग होंगे, बैठेंगे और वो चिंतन करेंगे कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन किस पर केंद्रित। मुझे लगता है आखिरी में यही आएगा कि प्रकृति केंद्रित जीवन से भी प्रकृति केंद्रित व्यवस्था दुनिया के लिए सबसे बेहतर है। ये अध्यात्म के साथ साइंस विज्ञान भी ये सर्वसम्मति से आने वाले दौर में दुनिया को मैसेज करेंगे कि प्रकृति नेचर वो पावर है कि हम उसके निकट रहेंगे तो नेचर है जो फ्यू सेकंड्स में क्षति की पूर्ति ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति के साथ तालमेल नहीं, अब समय है प्रकृति के साथ तालमेल करने का। यदि हमने प्रकृति के साथ तालमेल को किया तो हम सबसे बेहतर अपनी समाज को कर सकते हैं। गाँव को बचाया जा सकता है, नगर को बचाया जा सकता है, लेकिन हम अपने नेचर के साथ तालमेल करें, प्रकृति के साथ तालमेल करना, व्यक्ति के साथ नहीं। अब वो युग समाप्त हो गया जब हम व्यक्ति के साथ बैलेंस करेंगे, नहीं, अब प्रकृति के साथ दुनिया को बैलेंस करना पड़ेगा, तालमेल उसके साथ बिठाना पड़ेगा। मुझे लगता है एक बेहतर समाज की परिकल्पना साकार होगी।